नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। दोस्तों, मिताली राज हो तो आप जानते ही होंगे कौन है मिताली राज। दरअसल टेस्ट फॉर्मेट हो या वनडे फॉर्मेट हो, टीम इंडिया यानी महिलाओं की जो टीम इंडिया है उसकी कप्तान है मिताली राज। 38 साल की हो चुकी है, अब तक शादी नहीं की है और अगर करियर की बात करें तो 7000 रन उनके नाम है। जी हाँ, इसीलिए मिताली राज क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम है। मिताली को कौन नहीं जानता, जो सच्चा देशभक्त है वो क्रिकेट का फैन है, वो मिताली को ना जाने ऐसा भला कैसे हो सकता है। मिताली के करियर में बहुत सारे अचीवमेंट्स ऐसे हैं जो उन्हें स्पेशल बनाते हैं, उन्हें खास बनाते हैं। 22 साल क्रिकेट का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिताली के पास है, तो मिताली की जो गिनती होती है वो देश की बड़ी हस्तियों में होती है कि वाकई जो मिताली है वो एक अपने आप में एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तो मिताली राज को जब जब उनकी बात सामने आती है लोग ये पूछते हैं कि 38 साल की हो जाने के बाद आखिर मिताली राज ने आज तक शादी क्यों नहीं की। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस सबसे बड़े सवाल का एक बड़ा जवाब। दरअसल हाल फिलहाल में मिताली जब मीडिया से रूबरू हुई तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर, एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। इसके अलावा हाल फिलहाल में ही वो एक टीवी शो में भी गई थी, एक लाफ्टर शो में गई, जहां उन्होंने अपने दिल से जुड़े कई किस्से शेयर किए, कई राज खोले। लेकिन मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए जो इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मिताली ने शादी क्यों नहीं की, दरअसल वो कहती हैं कि पहले एक सपना देखा था कि शादी करूंगी, परिवार बसाऊंगी, लेकिन जब शादीशुदा लोगों को देखती हूँ, उनकी जिंदगी की परेशानियां देखती हूँ, तो शादी से मन उठ चुका है। अब मिताली ने बड़े आसान शब्दों में कह दिया, लेकिन क्या वाकई, अब जब उनसे शो में पूछा गया कि आखिर मिताली पसंद किसे करती हैं, अगर उन्हें क्रिकेट या बॉलीवुड में से किसी को एक को चुनना पड़े तो वो किसे एक अच्छे पार्टनर के तौर पर चुनती हैं, तो वो कहती हैं कि मुझे बॉलीवुड में किसी से अगर शादी करनी पड़े तो मुझे एतराज नहीं होगा, लेकिन हाँ जिससे मैं शादी करना चाहती थी, जो बॉलीवुड में उनका क्रश थे, वो फिलहाल शादीशुदा, यानी उन्होंने आमिर खान की तरफ ये इशारा कर दिया कि उनका जो क्रश था वो आमिर खान की तरफ था। लेकिन आमिर खान के पहले से दो डिवोर्स हो चुके हैं और एक बार फिर तीसरी शादी की बातें भी आमने सामने आती रहती है। खैर, मिताली ने कहा कि शादीशुदा लोगों को देखती हूँ तो शादी से विश्वास उठ जाता है, लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि क्या मिताली ने ये जो चीज़ बोली है क्या ऐसी बोल दी, या फिर उनके इस छोटे से जवाब में कोई बड़ा दर्द छिपा है, या क्या कुछ ऐसा है कि आप जो मिताली शादी से किनारा करती हुई दिखाई देती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।